नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक से लेके अगले 30 दिन तक आप अपने चूजों को कौन सा दाना और कितने मात्रा में दाना खिलाएंगे ताकि आपको फीडिंग कॉस्ट भी कम हो, उसके साथ साथ आपके चूजे में ग्रोथ भी अच्छा हो और कोई बीमारी भी ना आए। तो दोस्तों अगर आप ज्यादा मुर्गी पालना चाहते हैं यानी बड़े पैमाने पे काम को शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन सा दाना कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए वो भी बताऊंगा। उसके साथ अगर आप बैकयार्ड सिस्टम में कम मुर्गी पालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा दाना और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अगर आप बैकयार्ड सिस्टम में कम मुर्गी पालना चाहते हैं, जैसे घर में 10-20 मुर्गी पाल रहे हैं तो उसमें अगर दोस्तों आपकी मुर्गी खुद ब खुद अंडे को सेक के उससे चूजा निकाल रही है तो उसमें ज्यादा उतना टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि मुर्गी खुद ब खुद चूजे को यानी अपने बच्चे को खाना खिलाना सिखा देती है और खाना खुद ब खुद ढूंढ के वो लोग खा लेती है। लेकिन वही दोस्तों अगर आप चिक्स को बाहर से खरीद के लाते हैं, जैसे कोई फार्म से लेके आ रहे हैं या फिर कोई हैचरी से खरीद के ला रहे हैं, तो उसमें चिक्स को लाने के बाद आपको दाना तैयार करके या फिर दाना खरीद के अपने चूजों को खाने के लिए देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जब आप चिक्स खरीद के ले आएंगे उसके बाद एक से लेके अगले 10 दिन तक आपको अपने चूजों को कौन सा दाना देना चाहिए ताकि आपके चूजे में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ बढ़ पाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए शुरुआत के एक से लेकर 10 दिन मार्केट का जो प्री स्टार्टर फीड आता है वो आपको ब्रॉयलर का भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ देसी का भी मिल जाएगा, तो अलग अलग ब्रांड में आपको देखने को मिलेगा, तो जो भी अच्छा ब्रांड है उसको आप चुनिएगा। और उसके साथ साथ आपको FCR को भी देखना है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें इस फीड के प्राइस के बारे में तो हो सकता है आपको 30 से लेके 35 रुपये के आसपास मिल जाए या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस फीड को खरीदने के लिए आपको अपने आसपास में लोकल मार्केट में जहां पर भी ऐसा दुकान मिल जाता है जहां पर प्री स्टार्टर फीड लूज में बिक रहा है, जैसे हमारे यहां पर बहुत सारा ऐसा दुकान है जो कि लूज में ब्रॉयलर का जो प्री स्टार्टर फीड आता है वो मिल जाता है, या फिर अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो आपके आसपास में कोई ना कोई तो मुर्गी फार्म पोल्ट्री फार्म होगा ही होगा, तो उधर भी जाके आपका जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उनसे खरीद सकते हैं। तो अगर आपको ब्रॉयलर का प्री स्टार्टर मिलता है तो उसका भी आप अपने चूजे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप 10 चूजा खरीद के लाते हैं तो उसके लिए आपको 1 किलो प्री स्टार्टर फीड खरीद के लाना होगा जो कि 10 दिन आपका आराम से चल जाएगा। तो आपको लगातार 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ प्री स्टार्टर फीड खिलाना है अपने चूजे को। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ही आपका 10 दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से यानी 11वें नंबर दिन से लेके जब चूजे का उम्र 28 या फिर 30 दिन हो जाएगा उतने दिन तक आपको लगातार स्टार्टर फीड और उसके साथ देसी फीड यानी घर में आपको एक फीड तैयार करना होगा जो कि दोनों को मिक्स करके आपको अपने चूजों को खिलाना है। तो सबसे पहले स्टार्टर फीड को आपको खरीद लेना होगा, जैसे आपको बताया गया अगर आपके लोकल मार्केट में मिलता है तो ठीक है, या फिर आप किसी फार्म पे विजिट करके उधर से भी आप खरीद के ला सकते हैं। तो स्टार्टर फीड को दोस्तों आपको खरीद के लाना होगा 2 किलो, जिसका प्राइस हो सकता है 35 के आसपास ही आपको मिल जाए। उसके साथ दोस्तों आपको मिलाना है 3 किलो घर का बनाया हुआ फीड। तो घर में फीड बनाने के लिए दोस्तों आपको 3 चीजें इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहला आपको इस्तेमाल करना है खुद्दी। खुद्दी यानी जो चावल का टुकड़ा होता है, जो चावल टूट जाता है छोटा छोटा दाना बन जाता है उसको दोस्तों खुद्दी कहा जाता है। तो खुद्दी आपको इस्तेमाल करना है 1 किलो। उसके साथ दोस्तों आपको लेना है मकई यानी मेज आपको लेके उसको ग्राइंड कर लेना है, तोड़ लेना है ताकि दाने का साइज छोटा हो जाए, तो उसको आपको इस्तेमाल करना है 1 किलो। उसके साथ दोस्तों आपको तीसरे नंबर पे इस्तेमाल करना है गेहूं यानी व्हीट। व्हीट भी आपको 1 किलो लेना है, लेकिन उसको आपको मिक्सर ग्राइंडर की मदद से उसको तोड़ लेना है यानी दाने का साइज छोटा कर लेना है ताकि चूजा उसको आराम से खा पाए। जैसे ही आप ये सबको तोड़ लेंगे उसके साथ आपको मिलाना है 2 किलो स्टार्टर फीड जो कि आप मार्केट से खरीद के लाएंगे। दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना होगा ताकि देसी फीड के साथ जो बाजार का फीड खरीद लाया है स्टार्टर वो आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद आपका 5 किलो चूजे के लिए दाना बनके तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके पास 10 चूजा है तो उसके लिए ये जो 5 किलो फीड आपने तैयार किया है ये आपका आराम से 11वें नंबर दिन से लेके 28 या फिर 30 दिन तक चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं उन फार्मर्स के लिए जो कि बड़े पैमाने पे मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं, वो अपने चूजों को यानी चिक्स को कब कौन सा दाना खिलाएंगे। तो सबसे पहला 1 से लेके 7 दिन तक आपको लगातार अपने चिक्स को सिर्फ और सिर्फ PS फीड यानी प्री स्टार्टर फीड खिलाना होगा। जैसे 7 दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 8 नंबर दिन से लेके जब चूजे का उम्र 28 या फिर 30 दिन हो जाएगा उतने दिन तक लगातार आपको अपने चिक्स को सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टर फीड आता है मार्केट का वही खिलाना होगा। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं प्रतिदिन आपके चिक्स को कितनी मात्रा में दाना देना जरूरी है। तो सबसे पहला जो हफ्ता होगा यानी फर्स्ट वीक 1 से लेके 7 दिन तक हर चूजे को यानी प्रति चिक्स को
प्रतिदिन 10 ग्राम करके दाना देना जरूरी है, यानी 10 ग्राम करके एक चिक्स को आपको दाना देना होगा। जैसे ही पहला हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हफ्ता यानी 8 नंबर दिन से लेके 14 नंबर दिन तक यानी 14 नंबर दिन तक आपके चिक्स को प्रतिदिन 18 ग्राम यानी 18 ग्राम करके फीड देना जरूरी है। उसके बाद जैसे ही दूसरा हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा यानी तीसरे हफ्ते में आ जाएगा यानी 15 नंबर दिन से लेके 21 नंबर दिन तक आपको लगातार अपने चिक्स को 22 ग्राम करके फीड देना जरूरी है, यानी हर एक चिक्स को प्रतिदिन 22 ग्राम करके फीड मिलना चाहिए। इसके बाद जैसे ही दोस्तों तीसरा हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यानी फोर्थ वीक से आपको अपने हर एक चिक्स को प्रतिदिन 26 ग्राम यानी 26 ग्राम करके फीड मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक से लेके अगले 30 दिन तक आपको अपने चूजे में कब कौन सा दाना और कितनी मात्रा में दाना देना चाहिए। तो दोस्तों बस आज का था ये छोटा सा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेगा कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।